हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी लाया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये जो 10 वर्ड है हमें स्कूल और कॉलेज में भी नहीं सिखाए जाते हैं, इनकी मीनिंग्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है इरेट मॉब। इरेट मॉब का मतलब होता है घुसाई भीड़, घुसाई भीड़। अब भीड़ को हम मॉब कहते हैं और इरेट का मतलब होता है घुसाई, यानी गुस्से में आई हुई। तो पहली जो एग्जांपल है वो है इरेट मॉब किल्ड 3 पर्सन ऑन द स्पॉट, यानी घुसाई भीड़ ने मार दिया। किल यानी मारना, मार दिया किसे, मार दिया 3 पर्सन यानी 3 लोगों को, ऑन द स्पॉट यानी स्पॉट पर, घुसाई भीड़ ने 3 लोगों को मौके पर मार दिया, इस तरह हम बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारी सेकेंड एग्जांपल है इरेट मॉब वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय पुलिस, जो घुसाई भीड़ थी वो कंट्रोल नहीं हुई। कंट्रोल होना यानी मतलब नियंत्रण में आना या फिर काबू में आना, तो काबू में नहीं आई बाय द पुलिस, किससे, पुलिस से। इसके बाद हमारी थर्ड एग्जांपल है दे वेयर विक्टिम्स ऑफ इरेट मॉब, दे वेयर विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है शिकार, यानी वो शिकार हो गए किसके, इरेट मॉब के। इरेट मॉब मतलब घुसाई भीड़, वो घुसाई भीड़ के एक शिकार हो गए। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मॉब लिंच। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ के ज़रिए पीट पीट कर मार देना, जब किसी बंदे को मतलब पूरी भीड़ मिलकर इकट्ठा होकर उसे पीट पीट कर मार दे तो उसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। ये वर्ड सोशल मीडिया पर ज़्यादा मतलब जो है तो छाया हुआ है, और ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ के ज़रिए पीट पीट कर मारना। तो पहली जो एग्जांपल है हमारी वह है देयर आर मैनी केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे केसेस हो चुके हैं मॉब लिंचिंग के इन 2019 यानी 2019 में। इसके बाद का हमारा सेकंड है मैनी पीपल्स वेयर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे या कई, कई लोग मारे गए, किल्ड यानी मारे जाना, ड्यू टू द मॉब लिंचिंग, काई की वजह से, मॉब लिंचिंग की वजह से कई लोग मारे गए, इस तरह हम एग्जांपल बना सकते हैं। इसके बाद का हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है इनडिस्क्रिमिनेटिंग फायर। इनडिस्क्रिमिनेटिंग फायर का मतलब होता है अंधाधुंध गोलीबारी, अंधाधुंध गोलीबारी को हम इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कहते हैं। जब इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती है तो उसे हम अंधाधुंध गोलीबारी कहेंगे। जैसे कि हमारी पहली एग्जांपल है मैनी पीपल वेयर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेटिंग फायर, काई की वजह से, अंधाधुंध फायरिंग की वजह से या अंधाधुंध गोलीबारी की वजह से। इसके बाद की हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है He did indiscriminating firing. उसने indiscriminate firing की मतलब अंधाधुंध गोलीबारी की at the birds. Birds यानी परिंदे, परिंदों के ऊपर उसने अंधाधुंध गोलीबारी की। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है स्टोन पेल्टिंग। स्टोन पेल्टिंग का मतलब होता है पथराव करना, पथराव करना। ये भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में मतलब वायरल वर्ड है जो हमें याद होने चाहिए। तो ये इस वर्ड का मतलब है पथराव करना, यानी स्टोन का मतलब होता है पत्थर और पेल्ट यानी मारना, तो यानी पत्थरबाजी को या पथराव करने को हम स्टोन पेल्टिंग कहते हैं। जैसे कि हमारे पास पहली एग्जांपल है द स्टोन पेल्टिंग वाज हैपन इन द मेन सिटी, जो स्टोन पेल्टिंग थी यानी पथरावबाजी थी या पथराव करना था, तो वो हैपन, हैपन यानी होना, हुआ इन द मेन सिटी यानी मेन सिटी में, मेन सिटी में पथराव हुआ, इस तरह हम बोल सकते हैं। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है दे वे आर डूइंग स्टोन पेल्टिंग, वो पथराव कर रहे थे, डू यानी करना, डू का सेकंड फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा दिए तो ये कर रहे थे हो जाएगा। इसके बाद का गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिकेम। डिकेम का मतलब होता है भाग जाना यानी फरार हो जाना या भाग जाने को हम डिकेम कहते हैं। जैसे कि हम पहली एग्जांपल बोल सकते हैं द क्रिमिनल डिकेम्ड, यानी क्रिमिनल का मतलब होता है मुजरिम, जो मुजरिम थे वो डिकेम हो गए या मुजरिम जो था वो डिकेम हो गया फ्रॉम द प्रिजन, प्रिजन यानी जेल से। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है ही डिकेम, वो फरार हो गया या भाग गया फ्रॉम द स्पॉट, कहाँ से, स्पॉट से, आफ्टर मर्डर यानी खून करने के बाद या कत्ल करने के बाद, मर्डर करने के बाद वो स्पॉट से भाग गया। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है जो बहुत ज़्यादा
यूज़ होने वाला वर्ड है वह है रिवेलेशन। रिवेलेशन का मतलब होता है सनसनीखेज खुलासा। जैसे कि पहली एग्जांपल है हमारी, दिस वाज रिवेलेशन न्यूज़ फॉर एवरीवन। ये सभी के लिए सनसनीखेज खुलासे वाली न्यूज़ थी, एवरीवन यानी सभी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ही, ये एग्जांपल है ही डिस्क्लोज मैनी रिवेलेशन फैक्ट। उसने बहुत सारे मतलब सनसनीखेज खुलासे किए। इस तरह से हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है मिली भगत। मिली भगत को हम नेक्सस कहते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल, दिस वाज नेक्सस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। ये पॉलिटिकल लीडर्स मतलब राजनीतिक लीडरों की मिली भगत थी। तो नेक्सस का मतलब होता है मिली भगत और पॉलिटिकल लीडर्स यानी राजनीतिक लीडर्स। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, दैट इज़ द नेक्सस ऑफ ऑफिसर। ये ऑफिसर्स की मिली भगत थी। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरप्ट। इरप्ट का मतलब होता है भड़क उठना। भड़क उठने को हम इरप्ट कहते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल, द वायलेंस इरप्टेड इन दिस सिटी। जो वायलेंस था यानी जो लड़ाई थी, जो तशद्दुद था, तो वो भड़क उठा। इरप्टेड यानी भड़क उठना। इन दिस सिटी यानी इस सिटी में भड़क उठा। इसके बाद में सेकेंड एग्जांपल, दे इरप्टेड द होल सिटी। उन्होंने पूरी सिटी को भड़का दिया यानी उसमें आग लगा दी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है पुट इन द डॉक। डॉक का मतलब होता है कटघरा और पुट यानी खड़ा करना। तो पुट इन द डॉक यानी कटघरे में खड़ा करना। जैसे कि पहली एग्जांपल, दे पुट द क्रिमिनल्स। उन्होंने मुजरिमों को खड़ा कर दिया इन द डॉक यानी कटघरे में। उन्होंने कटघरे में मुजरिमों को लाकर खड़े कर दिया। इसके बाद की सेकेंड एग्जांपल है ही फेल इन द डॉक। वो कटघरे में गिर गया। फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होता है गिर गया। ही फेल इन द डॉक यानी वो डॉक में कटघरे में गिर गया। आफ्टर हियरिंग द पनिशमेंट यानी सज़ा सुनकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है वह है हशप। हशप का मतलब होता है रफा दफा करना। हशप यानी रफा दफा करना। द पुलिस हशप द मैटर यानी पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया। इसके बाद का नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, यू हश अप द मैटर नाउ। तुमने मैटर को क्लोज कर दिया या फिर रफा दफा कर दिया। गाइज़ अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा